गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट जीआई टैक्स ऑफ इंडिया। स्टेट वाइज ये डेटा रहेगा और करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। 2023 के करंट को इसमें ऐड किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेके आए हैं एक गिव अवे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट्स मिथिला मखाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है गोवा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और सही जवाब देने वाले स्टूडेंट को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और गिव अवे के तौर पे हम उन्हें देंगे ये बुक। ये स्टैटिक जीके की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, इसको आशुतोष सर ने रेडी किया है। वेरियस एग्ज़ाम्स जो होते रहते हैं हमारे, उन सभी में से 2015 से 23 तक जो भी उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इस बुक में ऐड किया गया है। और उसके अलावा टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को इसमें वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा गया है। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटीज रक्स ए कार्पो एप्रिकॉट गॉट जीआई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रक्स ए कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली और डी पुदुचेरी। सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी लद्दाख। फर्स्ट एवर जीआई टैग ऑफ लद्दाख, यानी कि जीआई टैग मिलने वाला ये पहला प्रोडक्ट है लद्दाख स्टेट का, सॉरी लद्दाख यूटी का, क्योंकि लद्दाख एक यूटी है आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्वीट कुकुम्बर गॉट जीआई टैग रिसेंटली, निम्नलिखित में से किस राज्य के मीठे खीरे को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। तो ये जो मीठा खीरा है ये इसका रिलेशन है नागालैंड से। नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सेवन सिस्टर स्टेट का एक पार्ट है। इसके अलावा नागालैंड में तीन प्रोडक्ट और भी हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, वो हैं नागा मिर्चा, चेकसोंग सोल और नागा ट्री टोमेटो। तो इन्हें भी आप लोग एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट द यूरोपियन जीआई टैग। ऑप्शन है आपके सामने ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो ये जो कांगड़ा चाय है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट सोजत मेहंदी गॉट जीआई टैग, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो सोजत मेहंदी का जो संबंध है वो किस स्टेट से है, ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान वैसे भी मेहंदी के लिए या मेहंदी की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी हैं राजस्थान के जिन्हें जीआई टैग मिला है, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि पोकरन पोटरी, ब्लू पोटरी ऑफ जयपुर, बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोरा डोरिया और इसके अलावा मकराना का मार्बल, इसके अलावा आप देख सकते हैं मकराना का मार्बल, मुलेला क्लेवर्क, ये कच्ची मिट्टी से इस तरीके की कलाकारी की जाती है, थेवा आर्टवर्क एंड कठपुतली ऑफ राजस्थान। तो कठपुतली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नौर राइस ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। ऑप्शंस हैं ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी असम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये चिन्नौर चावल की पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स भालिया वीट गॉट जीआई टैग, किस राज्य के भालिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। तो ये भालिया गेहूं का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन डी गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सोहराई खोवर पेंटिंग हैज़ गॉट जीआई टैग, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शंस हैं आपके सामने ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। तो सोहराई खोवर पेंटिंग का जो संबंध है वो किस स्टेट से है, वो झारखंड से है। ये एक तरीके की ट्रेडिशनल पेंटिंग है, आप इसका इमेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट जीराफुल राइस हैज़ गॉट जीआई टैग, किस राज्य के जीराफुल चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन हैं आपके सामने ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जीराफुल चावल का जो संबंध है वो है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से। इससे पहले हम लोग चिन्नौर चावल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो उसका संबंध किससे था, मध्य प्रदेश से।
नेक्स्ट, विच स्टेट यूटीज पश्मीना शॉल हैज़ गॉट जी आई टैग, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना शॉल को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए लद्दाख, बी दमन एंड दीव, सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो पश्मीना शॉल का जो संबंध है वो है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत ही फेमस ये पश्मीना शॉल है जम्मू एंड कश्मीर की, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं। कुछ और भी जो उत्पाद हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हें जी आई टैग मिला हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कश्मीरी सैफरन यानी कि केसर और सोजानी क्राफ्ट, कनी शॉल, कश्मीर वेलनट वुड कार्विंग, कश्मीर पेपर मैची। नेक्स्ट, पलानी पंचामृतम गॉट जी आई टैग रिलेटेड टू विच स्टेट, पलानी पंचामृतम को जी आई टैग मिला है इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शंस हैं ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी तेलंगाना। तो पलानी पंचामृतम का जो संबंध है वो किस स्टेट से है, ऑप्शन बी तमिलनाडु से। ये एक तरीके का मंदिर का प्रसाद है, ये आप देख सकते हैं, आपको मतलब मंदिरों में भी ये मिलता है और एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ तमिलनाडु में बहुत ही ये एक फेमस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स ऑफ विच स्टेट गॉट जी आई टैग, किस राज्य के इडू मिश्मी वस्त्रों को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन हैं आपके सामने ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इडू मिश्मी वस्त्रों का जो संबंध है वो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से है और चारों ही ये सेवन सिस्टर स्टेट का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सुंदरजा मैंगो एंड गजक गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम और गजक को जी आई टैग मिला है। ऑप्शंस हैं आपके सामने ए बिहार, बी हरियाणा, सी पंजाब और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो सुंदरजा आम और गजक है ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का जो रेवा जिला है वहाँ से सुंदरजा आम का संबंध है और जो गजक है ये मुरैना जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन हैं आपके सामने ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो ये जो गोंड पेंटिंग है ये गोंड जो जनजाति है उनसे संबंधित है और मध्य प्रदेश की है ये, और ये हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल आर्ट है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट, जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो आज भी इसको बनाने का काम करते हैं। विच स्टेट्स एपन आर्ट गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य की एपन कला को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन हैं आपके सामने ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो ये जो एपन कला है इसका संबंध है ऑप्शन ए उत्तराखंड से। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एपन कला का ही एक एग्जाम्पल है और उत्तराखंड में कोई अगर शादी विवाह समारोह जन्मोत्सव आदि मनाया जाता है तब लाल गेरू से और सफ़ेद चावल को पीसकर उसके घोल से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। कुछ और भी जो प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड के जिन्हें जीआई टैग मिला है वो भी आपके सामने आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे मुनस्यारी का राजमा, थुलमा, कंबल, तेजपत्ता, चुरिया ऑयल, भोटिया दान, रिंगल क्राफ्ट और टमटा यूटेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कंबन ग्रेप्स गॉट जीआई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के कंबन अंगूर को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो ये जो कंबन अंगूर हैं इनका संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन ए तमिलनाडु से। कंबन अंगूर को कंबन पनीर तिराचई भी कहा जाता है। कंबन वैली ऑन द वेस्टर्न घाट्स ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि जो ये कंबन वैली है पश्चिमी घाट में, इसे दक्षिण भारत का अंगूरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स आदमचीनी राइस गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के आदमचीनी चावल को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो ये आदमचीनी चावल का जो संबंध है वो किस राज्य से है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा कुछ और भी जो प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वो देख सकते हैं जिन्हें जी आई टैग मिला है आप, जैसे बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, तिरंगी बर्फी, रामनगर बनता, ब्रिंजल यानी कि बैंगन एंड चंदौलीज आदमचीनी राइस, काशी सिटी हैज़ इमर्ज एज अ जी आई हब। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप लोगों को देखना चाहिए कि जो काशी शहर है, वाराणसी या बनारस भी हम जिसे कहते हैं, तो काशी शहर को भी एक जी आई हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट,
विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वेराइटी हैज़ गॉट जी आई टैग, किस राज्य की नागरी दुबराज चावल की किस्म को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए वेस्ट बंगाल, बी मणिपुर, सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो ये जो नागरी दुबराज चावल है इसका संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से। नवारा राइस फ्रॉम केरला हैज़ गॉट अ जी आई टैग, जो नवारा राइस है उसका संबंध है केरला से और उसे भी जी आई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स एरोमेटिक मार्चा राइस गॉट जी आई टैग, किस राज्य के सुगंधित मार्चा चावल को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है क्या पंजाब। तो ये जो मार्चा राइस है ये कहाँ के हैं, ऑप्शन बी बिहार। दिस यूनिक राइस हैज़ अ ग्रेन साइज एंड शेप सिमिलर टू ब्लैक पेपर, यानी कि जो ये मार्चा राइस है इन्हें मिर्चा चावल भी कहा जाता है, मार्चा चावल भी कहा जाता है। इनका जो शेप है और इनका जो साइज है वो काली मिर्च के जैसा है, इसीलिए इन्हें मिर्चा चावल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। विच स्टेट इक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जी आई टैग्स फॉर प्रोडक्ट अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23, किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सबसे अधिक भौगोलिक संकेत जी आई टैग प्राप्त किए हैं। ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। वित्त वर्ष 2023 में जो सबसे ज़्यादा जी आई टैग किसी प्रोडक्ट को मिले, किसी राज्य के प्रोडक्ट्स को मिले हैं वो है केरला, और टोटल जो हैं पिछले साल 12 उत्पादों को यहाँ पर जी आई टैग दिए गए थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जी आई टैग किस स्टेट के पास है तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 56 जो प्रोडक्ट हैं इन्हें जी आई टैग मिल चुका है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम जी आई टैग किस स्टेट के पास हैं तो लद्दाख के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को अभी तक जी आई टैग मिला है, और वो कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स नरसिंहपेट नागास्वरम गॉट जी आई टैग, किस राज्य के नरसिंहपेट नागास्वरम को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी केरला। तो ये जो नरसिंहपेट नागास्वरम है ये एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत वाद्यंत्र है, और इसका संबंध तमिलनाडु से है। नरसिंहपेट नागास्वरम क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली मेड इन अ विलेज नियर कुंभकोणम, यानी तमिलनाडु का एक विलेज है कुंभकोणम के पास, वहाँ पे इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। कुछ इस तरीके का है ये, आप इसे देख सकते हैं, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जी आई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ गॉट जी आई टैग फॉर वडाकोलम राइस, वडाकोलम चावल के लिए किस राज्य को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन हैं आपके सामने ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो वडाकोलम जो चावल है इसका संबंध है ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, मिर्चा चावल के लिए हमने अभी देखा है बिहार को, नवारा चावल के लिए केरला को, और नागरी दुबराज चावल के लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हमने चिन्नौर चावल पढ़ा था जो कि एमपी से रिलेटेड है। तो वडाकोलम चावल ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच स्टेट्स गमोसा गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के गमोसा को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए नागालैंड, बी मेघालय, सी असम और डी मणिपुर। ये मेघालय की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी, और ये है मेघालय का करेक्ट स्पेलिंग। तो ये जो गमोसा है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। ये देख सकते हैं आप, ये एक तरीके का कपड़ों पे एक वर्क किया जाता है, गमोसा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स तंदूर रेडग्राम गॉट जी आई टैग रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जी आई टैग मिला है। ऑप्शन है आपके सामने ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश और डी केरला।
तो ये जो तंदूरी लाल चना है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट, कुमाऊ चूरिया ऑयल ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? किस राज्य के कुमाऊ चूरिया ऑयल को जीआई टैग मिला? अभी हमने ये पीछे पढ़ा भी था। ऑप्शन है आपके सामने ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हाथी चिली एलिफेंट चिली हैज़ गॉट जीआई टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हाथी मिर्ची है इसका संबंध है ऑप्शन ए मणिपुर से। तेमलोंग मैंडरिन ऑरेंज एंड द स्टेट्स हाथी चिली गॉट जीआई टैग, यानी कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। एक है आपका टेमलोंग मैंडरिन ऑरेंज यानी कि संतरा, ये आप देख सकते हैं, और ये हाथी मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कुटियट्टूर मैंगो गॉट जी आई टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के कुटियट्टू राम को जी आई टैग मिला है? ऑप्शन है आपके सामने ए कर्नाटका, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरला। तो कुटियट्टू राम का जो संबंध है वो किस राज्य से है? ऑप्शन डी केरला से संबंधित है। केरला में इडायूर चिली एंड कुटियट्टूर मैंगो इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। इनके अलावा भी और भी प्रोडक्ट हैं और ये थोड़े इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, इडियोर चिली एंड कुटियट्टूर मैंगो। और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिलने वाला स्टेट कौन सा है? वो भी केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स खोला चिली गॉट जीआई टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य की खोल मिर्च को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गोवा, सी केरला, डी मणिपुर। तो ये जो खोल मिर्च है इसका संबंध किस स्टेट से है? ऑप्शन बी गोवा से। गोवा